हाय एवरीवन, वेलकम टू जस्ट शोबिज। आज के हमारे चैट सेशन की गेस्ट हैं इंडियन एक्ट्रेस ऋषिता भट्ट, जो रिसेंटली अक्षय कुमार स्टारर मूवी कठपुतली में नजर आई हैं। तो आइए सुने ऋषिता के साथ हुई पूरी बातचीत। So, congrats on कठपुतली। Thank you very much. So, what do you think? एक्टर करने में कितना मजा आया आपको? आपने देखी पहले? देखी। आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। Thank you. मैं इनफैक्ट ये उम्मीद कर रही थी कि मैंने काफ़ी रिस्क लिए हैं मेरे करियर में। आई फील के अलग अलग किरदार निभाए हैं एंड कठपुतली जब मुझे ऑफर हुई मुझे बहुत इंपॉर्टेंट और पिवोटल रोल लगा क्योंकि इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर दिस यू नो प्रोटैगनिस्ट एंड द वेरी फैक्ट दैट ये जो कहानी थी इट वाज ऑल अबाउट कैरेक्टर्स। सो फॉर मी प्लेइंग यू नो अर्जुन सिस्टर सीमा वाज द वेरी फैक्ट दैट शी इज इज प्रोपेलिंग फोर्स। It's a very sensitive issue. It's being a mother, which obviously मेरे पास experience नहीं है to be a mother yet. But you know, to play a young child's mother, to go through that kind of you know pain and trauma, it is painful. जितने भी scenes लिखे गए थे, they just flowed very naturally. I didn't have to really work hard because it was so well written. There's you know the immediate एक आप empathize करने लगते हैं उसके दर्द के साथ. So कठपुतली एक अलग कहानी थी. Of course. थ्रिलर काइंड ऑफ अ फील उसे दिया गया है एंड आई एंजॉयड वर्किंग स्पेशली बिकॉज वाशु बगनानी हैज ऑलरेडी आई वर्क विद हिम ऑन अ फिल्म कॉल्ड आउट ऑफ कंट्रोल विद रितेश देशमुख। तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट फॉर दैट कैरेक्टर बिकम इन द एंड पावरफुल कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि आज के दौर में जब हमें लगता है कि देयर इज प्रॉब्लम्स विद यू नो द काइंड ऑफ फिल्म्स विच आर बीइंग मेड वेदर दे विल यू नो सक्सीड और ऑन द बॉक्स ऑफिस आई थिंक इट वाज अ वेरी वाइज थिंग बाय माय प्रोड्यूसर टू रिलीज इट ऑन द ओटीटी एंड उनका ना ऑटोमेटिकली एक ऑडियंस बढ़ गया बिकॉज आजकल हम काफ़ी कुछ चीज़ें देखते हैं टाइम्स हैव चेंज्ड हम कॉन्टेंट के बारे में बात करते हैं तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड एंड वाइज थिंग टू डू एंड दैट्स वाई इट्स अ सक्सेस आई फील। And that means you are also ready to play like a sister bhabhi also you know but an actress might be you know for an actor what happens aapko yahi ho raha hai ki metamorphosis ho gaya now exactly. Content is king and India has become the content hub in the world correct if you look at it yeah. And no more in India or anywhere in fact ye to kabhi English film se leke koi bhi aap bahar ki film mein utha ke dekhiye ye sab roles kabhi they were never typecast or you know caricature you know caricature mein aa jate na ye aise hi hona chahiye are isne ye role kar diya are ye bhabhi are ye to behan hai are but you know now फिल्म में पहले तो ये भी होता था कि एक्ट्रेसेस कांट प्ले मदर्स उसका बच्चा नहीं होना चाहिए शी हैज टू लुक वेरी यंग ऑल एक्ट्रेसेस प्ले मदर्स दे प्ले यू नो रोल्स अब तो वी ओनली फोकस ऑन द काइंड ऑफ यू नो कैरेक्टर दैट यू आर गिवन ओके सो या एंड नाउ यू आर आल्सो गोइंग टू इंटरेस्टिंग फेस्टिवल वेल आई वेंट टू वेनिस फिल्म फेस्टिवल एंड केम आई वेंट देयर एज डेलीगेशन बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी विद द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया व्हिच हैपेंस इन नवंबर इफ यू आर अवेयर If it happens, I've already been a part. Okay. 2017 mein I was in the preview committee. 2018 again I was on the steering committee. So this year is very special because we are celebrating 75 years of Indian cinema. And to go there as officially and representing your country, or मुझे वहाँ से भी invite मिला to be a part of the panel discussion. So it was a proud moment where I was building a bridge between the two countries and talking about building a common audience. Because cinema has no barrier, and I think हमारे यू नो प्रधानमंत्री जी भी बहुत यू नो उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं टू ब्रिंग सिनेमा टू अ डिफरेंट लेवल आई वुड से बिंग फ्रॉम कान्स फिल्म फेस्टिवल इंसेंटिव्स देने लगे हैं हम फॉरेन प्रोडक्शंस को हमने बढ़ावा दिया हुआ है टूरिज्म बढ़ रहा है तो आई थिंक द वे सिनेमा का एक मेटामॉर्फोसिस हो रहा है आई व्हाट बेटर बट टू बी एट द वेनिस फिल्म फेस्टिवल एंड अकॉर्डिंग टू यू वेयर डू यू फाइंड इंडियन सिनेमा राइट नाउ at the crossroads it is at a metamorphosis it's a metamorphosis that is happening jahan pe ek transition ho raha hai growth ho raha hai
और अगर आप देखें तो वी आर नॉट कॉलिंग दिस एनी मोर यू नो द वर्ड्स वी डोंट डिफाइन दिस एज अ टिपिकल रीजन ऑफ अ फिल्म. हम कहते हैं इंडियन सिनेमा क्योंकि अगर आप देखें तो सत्यजीत रे जिन्होंने हमें इंटरनेशनल स्टैंडिंग दी है इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स. एंड अगर उन्हें इंटरनेशनली कोई जानता है तो उन्हें इंडिया से अगर कोई है तो वो है. और 75 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वेनिस में भी हमने उनकी एक फिल्म दिखाई क्लासिक सेक्शन में. तो मुझे लगता है कि इंडिया हैज कम टू टर्म्स विद यू नो सिनेमा वेर दे आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट वेर दे आर रेडी टू हैव अदर कंट्रीज कम एंड शूट दे आर रेडी टू गो थ्रू द ग्रोथ प्रोसेस एंड क्रिएट गुड वर्क सो पीपल आर हैप्पी एंड देर इज डिमांड सो देर इज सप्लाई. या एंड आई थिंक द सक्सेस ऑफ ब्रह्मास्त्र प्रूव्स द कंटेंट इवेंचुअली रूल्स द बॉयकॉट ऑल हवा. यस आई थिंक वो कुछ फर्क नहीं पड़ता वो सब ऐसी बस हवाबाजी है. आई थिंक कॉन्ट्रोवर्सीज बनाने के लिए मजा आता है बट कॉन्टेंट इज कॉन्टेंट सिंपल. Yeah, and you have been doing a consistent work throughout your career. So how do you see your career till now? I feel very happy that I feel very blessed that I've been able to survive more than 20 years in this career. Yeah. Beginning from my modeling days to films, with a little bit of OTT. And now I'm also doing a very interesting series called Swaraj, which has been offered to me. And obviously it came in last minute, but I couldn't have asked for more because this is our Honorable Prime Minister's vision. He wants, you know, the 1940s, 1478 से लेके 1947 ऑल आर अनसंग एंड अनसंग हीरोज के बारे में कहानी है एंड एवरी एपिसोड इज डेडिकेटेड टू सच हीरोज एंड वी वांट टू स्प्रेड इट इन द यूथ बिकॉज ऑल दोस पीपल हु गेव अस दिस इंडिपेंडेंस टुडे द फैक्ट दैट वी आर सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ यू नो इंडिपेंडेंस मुझे लगता है कि इट इज दैट प्राउड मोमेंट दैट वी इन द यूथ ऑल्सो शुड एजुकेट देम कि हम आज जो हैं इज बिकॉज ऑफ दीज यू नो वॉरियर्स. And there I play Rani Lakshmibai. And Rani Lakshmibai is very, उनके ऊपर बहुत कुछ बनाया गया है बट ये बहुत ही एक्साइटिंग है बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इतना रिसर्च किया गया है इट्स अ डॉक्यूड्रामा एंड द काइंड ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू इट हैज क्वांटिलो पिक्चर्स ने बनाया है इट्स वंडरफुल. आई थिंक इट्स समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड यू हैव ऑलवेज डन ऑफबीट रोल्स लाइक It won't give the courage to go against the degree. I feel that my kind of roles, it's not that I've done offbeat, it's just that I've done cinema which I've always wanted people should remember. And if they were a little ahead of time also, I have accepted them. Because if you look at them now, they are still fresh in people's minds. Right. So for me, it was a blend of always doing commercial cinema as well as doing some interesting roles. So that, I think, you know, it can be remembered for a long time. So, according which has been your best outing so far? Outing? Yeah, best film. My best film? Oh, I can't tell you. I have no idea. Let my audience decide. And according to you, now Bollywood mein is good that women, like mature women are also in complex roles. Yes. So, I think there is no age and time for people. Kirdaar hai. कॉन्टेंट है ओटीटी भी है सो मच टू डू फॉर ऑल एक्टर्स जो पहले नहीं था जब मैंने शुरुआत की ऐसा कुछ नहीं था वी वर लिमिटेड वन फिल्म एंड द सिक्स पीपल वाइंड यू नो फॉर दैट वन पर्टिकुलर रोल सो इट वाज लाइक दैट. But OTT is bold. Were you comfortable going down the bold zone? Well, I think it depends what is the reason and what is the script being offered. So I think it depends. There's no yes or no, but I think yes. It is all completely dependent on the story. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. तो दोस्तों एंटरटेनमेंट की दुनिया की ऐसी और भी खबरों और गॉसिप्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए.